आज हम बनाने वाले हैं बेसन की टिक्की की सब्जी। बहुत ही टेस्टी, और आपने शायद ही कभी खाई होगी। ये मैंने मेरी दादी से सीखी हुई है, तो जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा और घर पे बना के जरूर सबको खिलाइएगा। बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, तो जितने मेम्बर्स के हिसाब से आप बना रहे हैं उतना बेसन आपको लेना है टिक्कीज बनाने के लिए। तो बेसन लेके उसके बाद मैंने सिर्फ एक प्याज लिया है, एक प्याज और एक हरी मिर्ची दोनों को मैंने चॉप कर दिया चॉपर में और इसमें डाल दिया। उसके बाद थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल दी है। अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है, मतलब नॉर्मल मसाले ही डालने हैं। तो धनिया, मिर्ची, नमक, हल्दी यही सब डाला है। तो हल्दी, मिर्ची, नमक डाल चुकी हूँ, और थोड़ा सा इसमें टर्मरिक पाउडर डाल देंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा भी डाल दिया है, और थोड़ा तेल डाल देंगे, और इसको ना अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करने की मेथड ना यही होती है, इसको बहुत ज़्यादा गीला करके पानी डाल के ऐसे नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा तेल डाला और फिर इसको देखिए अच्छे से, एकदम अच्छे से मिक्स करना है इसको, यही इसकी प्रोसेस होती है। अगर बहुत गिलपिला हो गया तो नहीं अच्छे से बनेगी टिक्की, ठीक है। हमको थोड़ा टाइट टिक्की बनानी है, एकदम गलने वाली ऐसे नहीं बनानी है। तो ये देखिए एकदम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी लेके और सबको एक दूसरे में मिक्स करना है, तभी आपकी जो टिक्की है वो प्रॉपर बन पाएगी। और एक चीज और, मैं इसमें खसखस डालना भूल गई थी, तो खसखस भी इसमें डाल दीजिएगा, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर खसखस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए, ये जो है इस तरीके से हमको ना टिक्कियां बना लेनी है, जैसे हाथ में थोड़ा सा बैटर लेके और ये थोड़ा इसको इस तरीके से करके और इसको हमको चपटा कर देना है, इस तरीके से प्रेस कर देना है, ठीक है। और सब इस तरीके से हमको रेडी कर देनी है टिक्कियाँ। तो ये सारी रेडी हो गई है। अब हम पहले क्या करेंगे, पैन में ऑयल ले लेंगे। तो इस तरीके से एक दो करछी जो है वो हमने ऑयल ले लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप डीप फ्राई करो, इस तरीके से भी फ्राई करोगे तो भी चलेगा। तो ये देखिए मैंने ऑयल ले लिया और उसको अच्छे से गर्म होने दिया, फिर लो फ्लेम पे। जब हम इसमें टिक्की डालेंगे ना तभी हम लो फ्लेम पे कर देंगे, ताकि अंदर से भी पक जाए, अदरवाइज क्या होगा कि बाहर से बहुत डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस तरीके से लो फ्लेम पे हमको इसको पकने देना है। जब थोड़ी देर एक साइड से पक गया, फिर हम इसको दूसरी साइड की तरफ पलटा देंगे और इन सबको अच्छे से हम पका लेंगे। ये देखिए जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज हो हम इसको निकाल लेंगे, और थोड़ा अगर तेल ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप निकाल के किसी कटोरी में यार ट्रांसफ़र कर दीजिए। और ये देखिए लहसुन और मिर्ची का पेस्ट मैंने डाल दिया है, तेल गर्म ही था और ये मैं मीडियम फ्लेम पे अब बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और मिर्ची जो है वो डाल के, और उसके बाद मैंने टमाटर लिए हैं, 3 से 4 टमाटर मीडियम साइज़ के या छोटे साइज़ के थे मेरे पास। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के तो आप 3 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर डाले हैं मैंने, और उसको मैंने कद्दूकस करके डाला है टमाटर को स्पेशली, तो वो मैंने पूरा डाल दिया। और उसके बाद नॉर्मल फिर से मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, ये सब डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने टमाटर को कद्दूकस किया है। आप चाहे तो प्याज टमाटर का भी आप पेस्ट बना के, मतलब पहले प्याज को अच्छे से भून के फिर टमाटर भी डाल सकते हैं, बट मेरे को इसको टमाटर में बनाना था इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। और टमाटर कद्दूकस करके बनाया है तो उससे भी और अच्छा ग्रेवी बैठता है इसके लिए। और ये देखिए थोड़ी देर मैंने इसको पका लिया, और इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है, और इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला ये हम इसमें डाल देंगे टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। बहुत ही टेस्टी लगती है रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे। तो ये देखिए गरम मसाला कसूरी मेथी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। और ये देखिए तेल पूरा रिलीज हो चुका है, तो इस स्टेज पे हम पानी डाल देंगे थोड़ा। तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप ऐसे पानी डाल सकते हैं, पर अभी मैंने थोड़ा पानी डाला है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा पका लिया। पकाने के बाद इसको मिक्स करके मैं इसमें ना टिक्की डाल रही हूँ, जो हमने फ्राई किया था टिक्की वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और कुछ टिक्की को अगर आपको लग रहा है कि पानी पानी जैसा हो रहा है, तो आप एक दो टिक्की को ना मैश भी कर सकते हो, तो बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे और थिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको भी हम लिड से क्लोज करके और पका लेंगे।
ये देखिए एक को मैंने इस तरीके से क्रश कर दिया, तो इससे क्या होता है ना ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है। तो हम ना टिक्की को जो है थोड़ा नरम होने देंगे, सॉफ्ट होने देंगे, ताकि जब हम खाए तो एकदम कड़क नहीं लगे हमें और एकदम सॉफ्टली बाइट जो है हम ले सके। फिर जब पूरा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद हम इस पे कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे, धनिया पत्ता, और इसको आप हॉट चपाती, पराठा, राइस किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई करके देखिए घर पे। और जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि टिक्की जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। उस स्टेज पे आप गैस ऑफ करके और ये देखिए इसको ढक के रख सकते हैं और लेटर ऑन आप एंजॉय कर सकते हैं। और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू।